मुरादाबाद शहर से मौजूदा विधायक रितेश गुप्ता की पत्नी अल्पना गुप्ता ने पीतल नगरी स्थित नंद नगरी में प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और समाज में फैली कोरोना ओमिक्रॉन से लोगों की जान की मन्नत मांगी। उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग पर पंच तत्व से स्नान भी कराया। आपको बता दें, ये प्राचीन शिव मंदिर वार्ड 44 के पार्षद रानी सैनी के आवास में स्थित है। विधायक रितेश गुप्ता की पत्नी श्रीमती अल्पना गुप्ता के बारे में बताया जाता है कि वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हैं। श्रीमती गुप्ता का नंद नगरी प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने का अर्थ आगामी चुनावों में भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2022 के चुनावों में रितेश गुप्ता भी बीजेपी से 28 विधानसभा से दोबारा टिकट के दावेदार हैं, तो उनकी पत्नी उनके उच्च भविष्य और जनता में आम संदेश देने भी निकली है। श्रीमती गुप्ता शिव मंदिर परिसर में लगभग एक घंटा रही, जहां उन्होंने गरीब और मंदिर के बाहर बैठने वाले लोगों को भोजन भी कराया। इस अवसर पर विधायक पत्नी अल्पना गुप्ता के साथ वार्ड 44 की पार्षद रानी सैनी उनके साथ कदम से कदम मिलाती नजर आई। इस मौके पर रानी सैनी, सोमपाल सिंह, सुशील, विमला, मनोज आदि ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अभी मंदिर में आई हैं, भक्तों को संदेश देना चाहेंगे? आरती के जरिए हमने ये संदेश दिया है कि हमारी जो प्रचंड जीत होगी उसका आज से बिगुल बच गया है। अब चुनाव के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और चुनावी सैनिक हैं वो सब तैयार हैं।